और शायद यही आदिल जी की तरफ से, इसे हम डांट नहीं कह सकते, इसे हम गुरु का प्यार कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे भले चाहने वाले हमारे इस संसार में, इस दुनिया में दो ही लोग होते हैं, माँ बाप के बाद हमारे गुरुजन, जो हमेशा हमारे स्किल्स को सुधारते हैं, हमारी खूबियों को बेहतर बनाते हैं। राहुल चौधरी रेट पे समय कुछ ना कुछ होगा, जयपुर वालों थर्ड रेट पे समय 6 का डिफेंस से बोनस ऑन है और देखना होगा इस समय दावा किया है, इस समय राइट कमर का शिकार कर दिया इस समय राहुल चौधरी ने। ये कबड्डी का चिरपरिचित नाम है राहुल चौधरी और अजमेर लायंस के लिए बहुत ही एंड वक्त पे पॉइंट लेकर आए हैं राहुल करीना। और ये जिस तरह से पॉइंट लेने का दावा करते हैं उससे तो आंखों पे विश्वास ही नहीं होता है कि ये पॉइंट मिल गया है, लेकिन जैसे ही विसल बजती है, एक हाथ ऊपर होता है और उंगली का इशारा होता है, तो उससे हमें समझ में आता है ये पॉइंट्स लेके चले गए हैं। अपने तीखी और नोकदार मूंछों की तरह किस तरह से ये पॉइंट चुरा कर ले जाते हैं अपनी विरोधी खेमे से, इसका अंदाज भी नहीं लगने देते। और जैसे आपने कहा कि चौधरी राहुल चौधरी जो एक जाना पहचाना नाम है, हमारे राजस्थान कबड्डी लीग से भी बहुत सारे ऐसे राहुल चौधरी निकलने वाले हैं जो कि खेलने वाले हैं प्रो कबड्डी लीग और हमारे इंडियन टीम में। बिल्कुल सही फरमाया आपने, 4 नंबर की जर्सी में रेड करने के लिए 5 का डिफेंस, 2-2 की चेन है एक खिलाड़ी सेंटर में और 4 या 5 के डिफेंस में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पॉइंट लाना, क्योंकि बोनस भी नहीं ऑन होता है। फिलहाल रेड करने के लिए मेवाड़ वॉरियर्स के रेडर, यहाँ पे 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है और देखना होगा इस समय शुरुआत की है लेफ्ट कॉर्नर से लगातार शफलिंग करते हुए, बढ़िया फुटवर्क है इनका और अच्छा खासा पूरे कोर्ट को कवर करते हैं। बोनस का प्रयास था, बोनस के लिए एक पैर वाइट लाइन के अंदर और दूसरा उसी वक्त हवा में होना जरूरी है कबड्डी के वसूलो नियमों के मुताबिक। और एक बार फिर से रेड पर आए हैं राहुल चौधरी, जिसे देखने के लिए सब बेकरार हैं। इनका फुटवर्क काबिल तारीफ, देखने लायक, और जिस तरह से ये शफलिंग करते हैं, पूरे ग्राउंड को नापते हैं, उससे अंदाजा लग जाता है कि ये कहाँ से पॉइंट निकालने वाले हैं, मिड से, लेफ्ट से, लेफ्ट कॉर्नर से या राइट कॉर्नर से। ये 2 or 2 रेड है, देखना होगा जयपुर वालों ने कहा है अपना इस रेड पे कुछ ना कुछ होगा, डिसाइड रेड है, रेडर डिसाइड रेड में सबसे ज्यादा दबाव होता है, बिना पॉइंट्स लिए वापस नहीं आ सकते। शुरुआत की है लेफ्ट कॉर्नर से, फिर सेंटर में कोशिश कर रहे थे रनिंग किक की, फिलहाल देखना होगा इस समय डिफेंस बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, कबीरदास टूवा टाइम में रेडर पे दबाव होता है, पहले रेडर को थकाए फिर वार करें, लेकिन अजमेर लायंस इधर